हेलो दोस्त, आज आप देख रहे हैं जिला गोंडा गोट फार्मिंग। आज हम आपको बताने वाले हैं 10 टिप्स। गोट फार्मिंग करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, तब आपको सक्सेस मिलेगी। नंबर 1, आपको किस साइड में किस जगह कैसे आपको फार्म बनाना है। आप फार्म कहीं भी बनाएं तो उसका लंबाई पूर्व और पश्चिम की दिशा में लंबाई होनी चाहिए, ताकि सूर्य की किरणें निकलें तो आपके फार्म में हमेशा ऐसा जो वहाँ का गीलापन हो या हवा घाम उसके अंदर जाए, ताकि फार्म सूखा रहे। नंबर 2, जहाँ फार्म बनाएं वहाँ पर ऊंचा जगह हो, जहाँ पर पानी ना रुके, ऐसी जगह बनाएं। नंबर 3, बेड़ा जहाँ बनाएं, आप फार्म जहाँ बनाएं जिस जगह पर बनाएं वहाँ बेड़े के बनाने के बाद थोड़ा ऐसा जगह बनना चाहिए जहाँ पर चारा और छगड़ियों को थोड़ा घूमने का जगह बचे। नंबर 4, फार्म ऐसा होना चाहिए बकरा या छगड़ी या गाभिन छगड़ी या बच्चे छोटे, अलग अलग रख रखाव का सिस्टम होना चाहिए कि अलग अलग हों, कोई दिक्कत। नंबर 5, फार्म जब बनाए उसकी हाइट 10 या 15, मिनिमम 10, उसके बाद 15 हाइट रख सकें फुट में, ऐसा हवा आने जाने में या धूप आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। नंबर 6, हमेशा ब्रीडर को अलग रखें, उसको छगड़ियों के झुंड में ना छोड़ें, छोड़ें सुबह या शाम 1 घंटे के लिए। मेरा नंबर 7, बनाते समय आप ये देखें कि वहाँ पर जो मल मूत्र या छगड़ी का रेड़ी वगैरह जो निकलता हो वो आने जाने में आपको दिक्कत ना पड़े और उनके चारे में ना जाए, मल मूत्र बहने का जगह होना चाहिए। नंबर 8, बनाते हैं तो 60 या 70 की आपको बकरी रखने में अच्छी जगह होना चाहिए, उचित जगह आपको दूरी तय कर आपको फार्म बनाना है। नंबर 9, तो फार्म में एक बकरी को रहने के लिए 1 से 1.5 मीटर की जगह होना चाहिए एक बकरी के लिए। आपके फार्म में जो बर्तन चारा भूसा पानी या उसके लिए जो उपयोग होता है उस बर्तन को साफ रखें, बर्तनों से ज़्यादातर बीमारियां फैलती हैं। साफ रखेंगे तो आपकी कचरा ना जाए, ऐसा सफाई रखना होगा आपको।